हेलो गाइस, स्पाइडर नितीश बड़ी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के ऑफिशियली मिड क्रेडिट सीन के बारे में। मैं पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मिड क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर देन उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे पहले, इस वीडियो में काफी सारे स्पॉइलर हैं, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो उस वीडियो को अभी तुरंत छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आपको एक स्पॉइलर वार्निंग, और आपने अगर मूवी देख ली है तो उस वीडियो को कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मिड क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में के एमजे और पीटर पार्कर यानी कि हमारा स्पाइडरमैन एक साथ स्विंग कर रहे होते हैं। तो एमजे एकदम घबरा जाती है और वो बोलती है आज के बाद हम ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे। फिर तुरंत स्पाइडरमैन के पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग पर एक LED पर ब्रॉडकास्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी का एक लोकल चैनल होता है डेली ब्यूगल। और डेली ब्यूगल एक न्यूज़पेपर कंपनी है, जिसे आपने देखा था पुरानी वाली स्पाइडरमैन मूवी में। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसमें टॉबी मैकफाय का स्पाइडरमैन कैरेक्टर काम करता था उस न्यूज़पेपर कंपनी में। वहां पर न्यूज़ ये आ रही होती है कि स्पाइडरमैन ने ही न्यूयॉर्क सिटी को खतरे में डाला, टोनी स्टार की टेक्नोलॉजी को यूज करा, वो सारे ड्रोन यूज करे थे और मिस्टीरियो को भी उसी ने मारा था। देन उसी के साथ देखने को मिला कि स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील्ड कर दिया गया है और पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। देन उसी के साथ स्पाइडरमैन यानी कि हमारे पीटर पार्कर के कुछ रिएक्शन अलग ही होते हैं, बहुत ही ज्यादा अलग। देन यहाँ पर मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। अब यहीं से मार्वल फैंस के मन में कुछ सवाल बन जाते हैं कि व्हाट्स हैपन मिड क्रेडिट सीन, एक्चुअल में हुआ क्या मिड क्रेडिट सीन में, क्योंकि हमने देखा स्पाइडरमैन ने तो मिस्टीरियो को हरा दिया था, तो वो रिटर्न कैसे हुआ, अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, स्पाइडरमैन के साथ क्या होगा, पीटर पार्कर के साथ क्या होगा, एमजे के साथ क्या होगा, एवरीथिंग, पूरा कैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका था स्पाइडरमैन का उस छोटे से मिड क्रेडिट सीन में। तो गाइस, यहीं पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले नंबर वन जो पॉइंट है वो है स्पाइडरमैन पीटर पार्कर से रिलेटिव। स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर पहचान जाता है कि मिस्टीरियो एक विलेन है जो कि स्टार्क टेक्नोलॉजी को हथियाना चाहता है, अपनी बनाना चाहता है और जनता के सामने एक हीरो बनना चाहता है, यानी कि नया आयरन मैन। ये मिस्टीरियो का एक प्लान था जो कि सक्सेस नहीं हो पाया और पीटर पार्कर ने स्पाइडरमैन ने हरा दिया मिस्टीरियो को। अब ये बात कौन कौन जानता था, एमजे, नेड, मारिया हिल, निक फ्यूरी, और कोई नहीं जानता था, क्योंकि इन चारों को ही पता था कि मिस्टीरियो एक विलेन है और वो गलत काम कर रहा था। देन उसी के साथ जब ब्रॉडकास्ट आता है और एक ब्रेकिंग न्यूज आती है डेली ब्यूगल की तरफ से, तो ये बात सबको पता चल जाती है कि स्पाइडरमैन एक्चुअल में विलेन है और स्पाइडरमैन ने ही मिस्टीरियो को मारा है, राइट। देन उसी के साथ ये बात सब पूरे न्यूयॉर्क में पता चल जाती है और सबको लगता है कि स्पाइडरमैन रियल में विलेन है। तो यहाँ से एक दूसरा पॉइंट निकलता है कि स्पाइडरमैन 3 कंफर्म हो जाती है, यानी कि फार फ्रॉम होम का सीक्वल, जो कि फ्यूचर में हमें स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर एक नई प्रॉब्लम में नजर आएगा, यानी कि एक विलेन के तौर पर पूरा न्यूयॉर्क उसे एक विलेन मानेगा और ड्यूली बीगल का मालिक जेजे वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी पैदा होगा और यहाँ पे शायद उसकी निक फ्यूरी भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक एजेंट ऑफ द शील्ड के मालिक है, हेड है, HOD है, वो इस चीज को हैंडल करने के लिए जेजे से तो नहीं भिड़ेंगे मुझे नहीं लगता, पर वो कोशिश जरूर करेंगे कि वो स्पाइडरमैन पीटर पार्कर की मदद करें, पर ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन सकता है फ्यूचर में। तो यहाँ से स्पाइडरमैन 3 कंफर्म हो जाती है और फ्यूचर में हमें मिस्टीरियो दोबारा से रिटर्न देखने को मिलेगा। और जो हमने वीडियो डेली ब्यूगल पे देखा था वो एक्चुअल में शायद मिस्टीरियो का बनाया हो सकता है दोबारा से फेक वीडियो, चाहे वो उसकी टीम मेंबर का हो सकता है, पर मिस्टीरियो जिंदा है, स्पाइडरमैन 3 कंफर्म हो जाती है और फ्यूचर में स्पाइडरमैन एक नई कंट्रोवर्सी में देखने को मिलेगा और देन मिस्टीरियो आगे फ्यूचर में शायद सिनिस्टर 6 टीम ज्वाइन कर सकता है। तो गाइस, ये था वो मिड क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद अगर कोई चीज मेरी से छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।